हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स में से रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म से कैसे एक लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। इसकी शेप ऐसे अगर यहाँ से देखें फ्रंट पार्ट से, तो ऐसे ये ट्राइंगल होती है और ये दो इस पे इंक्लाइंड सरफेस होते हैं, ये वाले और ये वाले, और ये इसका बेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिज्म होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रिज्म से अगर हमारी लाइट हम इसे पास कराते हैं, तो देखो हमने डाली कहाँ, यहां, अगर ये नहीं होगा तो सीधी जाएगी, लेकिन यहां से कहां रही है, वो डाइवर्ज हो जा रही है, ठीक है। ऐसे सीधी जा रही है और यहां से लाइट डाइवर्ज हो जाती है, तो ये कैसे रिफ्रैक्ट कर देता है लाइट को, उसके बारे में हम यहां पर स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म का ये प्रिंसिपल सेक्शन हम कवर करेंगे, ओनली प्रिंसिपल सेक्शन हम यहां प्रिज्म का लेकर चलेंगे। तो हमने राइट किया कि ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, ठीक है, ये इसका बेस है और ये एंगल ए, तो इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये ए बी सी इसका सेक्शन पार्ट है और ये सरफेस इंक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर, ये वाला सरफेस, ठीक है, एंड ये वाला सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंक्लाइंड है, ओके। तो इसमें हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट, ठीक है, डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन कह सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट। तो ये हम यहां पर पढ़ेंगे, दोबारा बता देता हूं डेविएशन क्या है। देखो इनिशियली जो लाइट है वो स्ट्रेट जा रही है ऐसे, लेकिन जैसे ही हमने प्रिज्म से पास कराई तो डेविएट हो गई, जैसे ही हमने प्रिज्म से पास कराई तो क्या हुआ, डेविएट हो गई। तो कितने एंगल से ये डेविएट हुई वो हमें यहां से कैलकुलेट करना है, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमने लेट किया कि एक इंसिडेंट लाइट हमारी यहां पर पड़ती है, इंसिडेंट लाइट, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो ये हो जाएगा और इसके साथ ये इंसिडेंट एंगल बनाएगा आई, ओके। तो अब एक्चुअल में ये वाली जो रे है वो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही लाइट हमारे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो रे ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और यहां पर पहुंचेगी। जैसे ही, तो ये इंसिडेंट एंगल आई वन और ये रिफ्रैक्शन एंगल आर वन, जैसे ही लाइट हमारी यहां पर पहुंचेगी तो इस सरफेस का अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये इस सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा, ओके। ये एंगल आर टू, ये पॉइंट हमने ओ लाइट कर लिया, तो ये फिर से डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट हमारी नॉर्मल से अवे होके ऐसे चली जाएगी और ये इमर्जेंट एंगल हमारा आई टू या ई से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारी लाइट जाएगी। तो देखो इनिशियल लाइट की डायरेक्शन कहां थी, इधर, इधर डेविएट कहां हो गई, इधर। तो इसको अगर मैं पीछे ड्रॉ करता हूं तो कितने एंगल से डेविएट हुई, इसको मैं डेल लेन दूंगा, वो हमें यहां से फाइंड करना है। इसको मैंने पीछे की तरफ ड्रॉ किया तो ये हमारे पास बना डेल एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बनाइए, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये डेल हमें यहां पर अभी निकालना है कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास आएगा। तो मैं इस वाले पॉइंट को एल, इसको एम, ये हमारे पास ओ है, और इस वाले पॉइंट को एन नेम दे देता हूं। तो देखो अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम ट्राइंगल एल एम एन, एल एम एन, इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूं, तो जो डेल है वो ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है,
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरनल एंगल डेल वन प्लस इंटरनल एंगल डेल टू। तो डेल किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इंटरनल एंगल एंड दिस इंटरनल एंगल, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे डेल वन प्लस डेल टू इज इक्वल टू, अब मुझे डेल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये वाली लाइन, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। आई वन किसके इक्वल हो जाएगा, आर वन प्लस डेल वन, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डेल वन निकालूं तो आर वन इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, आई वन माइनस आर वन। एंड सिमिलरली अगर मैं यहां से डेल टू निकालता हूं, ये वाला एंगल, तो आई टू डेल टू और आर टू के इक्वल होगा, तो यहां पर आई टू माइनस आर टू आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे डेल वन की वैल्यू आई वन, सॉरी डेल वन की वैल्यू यहां से किसके इक्वल आई, यस आई वन माइनस आर वन और प्लस आई टू माइनस आर टू के इक्वल हमारे पास डेल वन और डेल टू की वैल्यू निकलकर आई। नेक्स्ट देखते हैं डेल, तो आई वन प्लस आई टू के इक्वल हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू के इक्वल एंड माइनस इन दोनों में से कॉमन, तो आर वन प्लस आर टू यहां से बच जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर वन, कि ये हमारे पास इक्वेशन वन निकल के आई। अब मुझे आर वन और आर टू की वैल्यू निकालनी है, तो देखो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए एल ओ एम ए, ए एल ओ एम ए, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में बात करता हूं कि टोटल एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि इस वाले लाइन पर ये क्या है, नॉर्मल। सिमिलरली ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का है, तो एंगल एल प्लस एंगल एम किसके इक्वल है, 180 डिग्री, किसके इक्वल है बच्चों, 180 डिग्री। तो अगर एल और एम 180 है तो एंगल ए एंड ओ भी क्या होगा, 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस एंगल ओ इज ऑल्सो 180 डिग्री, इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू नेम दे दिया। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल एल एम ओ, अब हम बात कर रहे हैं एल एम ओ, तो अगर इस वाली ट्राइंगल की बात करें एल एम ओ की, तो आर वन आर टू और एंगल ओ भी 90 का होगा, तो लिख देते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री का, ठीक है। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, यहां से सेकंड और थर्ड को इक्वल पुट कर सकते हो, ये भी 180 और ये भी 180। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो इनकी बात करते हैं, तो यहां से ये इसके इक्वल हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू ए प्लस एंगल ओ, तो एंगल ओ से एंगल ओ कटेगा, ये आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फोर। तो इसको उठाकर हम यहां पुट कर सकते हैं, तो नाउ इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, नाउ इक्वेशन वन डेल इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए नेम दे दिया, ठीक है। ये डेल किसके इक्वल आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो इसका हम यूज करते हैं इस वाले फॉर्मूले का, जब हमारा जो एंगल ए है वो ग्रेटर देन 10 डिग्री हो तब इसका यूज करते हैं। इसको आगे भी सॉल्व करते हैं, एक फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, रिलेशन बिटवीन डेल एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर का म्यू वन और इसका हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेट कर लेते हैं म्यू टू। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं एट एल, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट एल, तो एल पर अगर मैं स्नेल्स
मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, म्यू वन साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू, और ये एंगल कितना है आर वन साइन आर वन। अगर एंगल स्मॉल होंगे या मैं कह सकता हूं फोर थिन प्रिज्म एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल्स स्मॉल होंगे तो हम लिख सकते हैं म्यू वन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू आर वन, ठीक है, यानी म्यू वन आर वन इज इक्वल टू म्यू टू आर वन के हो जाएगा, यानी साइन आई अप्रोक्सीमेटली आई के इक्वल होगा और साइन आर अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल होगा। तो यहां से म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या हो जाएगा, आई वन अपॉन आर वन, जिसको सिंपली हम म्यू कह देते हैं। तो यहां से आई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू वन आर वन, एंड सिमिलरली आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू आर टू। तो आई वन और आई टू की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो अगर यहां पर मैं आई वन आई टू की वैल्यू पुट करता हूं तो देखो डेल किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू, आई वन की वैल्यू यहां से म्यू आर वन, आई टू की वैल्यू यहां से म्यू आर टू एंड माइनस ए। तो देखो डेल इज इक्वल टू यहां से म्यू कॉमन, तो आर वन प्लस आर टू माइनस का ए, एंड डेल इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो यहां पर लिख देंगे म्यू ए माइनस ए, तो डेल की वैल्यू आ गई म्यू माइनस वन इंटू ए। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री हो, लेस देन 10 डिग्री हो तो इसका यूज करेंगे, और ग्रेटर देन 10 डिग्री हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जनरली न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो एंगल है वो मोस्टली ग्रेटर देन 10 डिग्री मिलता है। ओके तो ये हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला, एंगल ऑफ डेविएशन किसका, एक प्रिज्म में से जो लाइट पास होती है वो कितने एंगल से डेविएट हो जाती है, तो उसके ये दो फॉर्मूले हमने यहां से निकाले। ओके तो ये आगे हम इसमें एक प्रिज्म फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। अब हमें यहां पर निकालना है एक प्रिज्म फॉर्मूला। तो देखो प्रिज्म फॉर्मूला और कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर एक प्रिज्म फॉर्मूले की बात करता हूं तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ देखता हूं, इधर डेल और इधर मेरा इंसिडेंट एंगल आई, तो ग्राफ जो है हमारा वो इस टाइप से निकल के आता है कुछ, ठीक है, इस टाइप से हमारा ग्राफ निकल के आता है। तो इधर हमारा I1, इधर हमारा I2, I1 पर भी देखो हमारा जो डेल मिनिमम है वो सेम, I2 पर भी जो डेल है वो सेम, यानी I1 I2 पर दोनों क्या आता है, डेल आता है। अब एक बीच का एंगल होगा जिसको हम I1 is equal to I2 is equal to I कह सकते हैं, जहां पर हमें जो डेल है वो मिनिमम मिलता है। डेल कैसा मिलता है, वहां पर हमें मिनिमम मिलता है जब I1 हमारा I2 के इक्वल हो जाता है। और जब यहां पर कंडीशन ये होगी कि I1 is equal to I2 is equal to I, then ये also कंडीशन होगी कि R1 is equal to R2 is equal to R के भी होगा। ओके R1 is equal to R2 is equal to R के भी होगा। तो डेल का हमने फॉर्मूला निकाला था I1 प्लस I2 माइनस A। अब ये मिनिमम कब होगा, जब I1 I2 I के बराबर है तो डेल मिनिमम होगा। तो हम रख देते हैं कि डेल मिनिमम क्या हो गया, I1 I एंड माइनस A, तो ये हो जाएगा 2I माइनस A डेल मिनिमम, एंड डेल मिनिमम इज इक्वल टू इसको इधर लाएंगे तो प्लस A इज इक्वल टू 2I, और आई निकालेंगे तो डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू, ठीक है, ये हमारे पास आई की वैल्यू निकलकर आ गई।
सिमिलरली अगर हमारे पास एक फॉर्मूला निकला था आर वन इज इक्वल टू आर टू ए, तो आर वन आर टू किसके इक्वल है, आर प्लस आर ए यानी टू आर इज इक्वल टू ए, और आर क्या हो जाएगा बच्चों ए बाय टू के इक्वल। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ को आप जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू क्या है, डेल मिनिमम प्लस ए बाय टू, और आर की वैल्यू क्या है ए बाय टू। दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला, क्या है बच्चों ये प्रिज्म फॉर्मूला है। तो ये हमने यहां पर प्रिज्म फॉर्मूला निकाल लिया है। अब हम यहां पर एक चीज और डिस्कस करते हैं कि देखो हमें पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेल ज्यादा होगा, या एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होगा तो भी हमारा डेल ज्यादा होगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। अगर मैं इसी चीज को वेवलेंथ से कनेक्ट करता हूं कि यहां पर रेड लाइट पड़ रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ओके येलो लाइट पड़ रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, वोलेट लाइट पड़ रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। तो विबग्योर के बारे में आप पढ़ चुके हैं सभी, अगर मैं विबग्योर को लेता हूं, विबग्योर तो यहां पर आपको पता है नीचे की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है और ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। आप ऐसे भी आ सकते हैं अगर कभी आपको कंफ्यूजन रहता है तो देखो लैम्डा लगभग लगभग हमारा आर से मैच करेगा, ठीक है डूरंडे ऐसे ये हो गया, और फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग वोलेट से मैच करेगी, तो फ्रीक्वेंसी वोलेट की ज्यादा और वेवलेंथ रेड वाले की ज्यादा होती है। अब एक रिलेशन दिया था हम एक साइंटिस्ट थे कोची रिलेशन, तो कोची रिलेशन हमारा कुछ इस टाइप से था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ए प्लस बी लैम्डा स्क्वायर सी लैम्डा फोर, इस टाइप से रिलेशन था हमारा। यानी हम देख सकते हैं कि जो ये है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर की है, लैम्डा बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो आपको पता है कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा है बच्चों, यहां से रेड वाले की वेवलेंथ वोलेट वाले से ज्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ अगर रेड वाले की ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा रेड वाले का, कम वोलेट के कंपैरिजन में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा रेड वाले के लिए वोलेट से कम आ जाएगा। तो रिलेशन पूछ सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन से कलर के लिए ज्यादा होता है कौन से कलर के लिए कम होता है, तो रेड वाले के लिए कम और वोलेट वाले के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी ब्रिज के बारे में। अब हम यहां पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम यहां पर देख रहे हैं, कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इज रूट टू। एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू हमें दे रखा है, फाइंड इट्स मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इफ इफ इट्स एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है और एंगल ऑफ प्रिज्म हमें 60 डिग्री दे रखा है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन
डेल मिनिमम प्लस आई बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला है। ये हमें दे रखा है कितना दे रखा है, रूट टू एंड साइन डेल मिनिमम हमें निकालना है आई, सॉरी आई नहीं ए था, जो हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री का, एंड इसके डिवाइड में 2 हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा साइन 160/2, तो साइन 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आगे, तो इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, रूट टू इज इक्वल टू साइन से, या साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी, ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे नहीं कटते क्योंकि एंगल अलग अलग है, तो यहां पर देखो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और 1/2 इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा 1/√2, और इधर साइन डेल मिनिमम प्लस 60 डिग्री बाय हमारा 2 चल रहा है, ओके तो साइन रूट टू कहां होता है बच्चों, साइन 45 डिग्री पे इनटू साइन डेल मिनिमम प्लस 60/2, तो साइन से साइन कटेगा, ये हो गया 45 डिग्री, 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसकी 90 हो जाएगा, तो डेल मिनिमम प्लस 60, तो यहां से अगर हम डेल मिनिमम निकालते हैं 60 इधर जाएगा, 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो डेल मिनिमम कितना आ गया हमारा बच्चों 30 डिग्री के इक्वल आ गया, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, क्या है वो न्यूमेरिकल, हमें एक प्रिज्म दे रखा है और इस प्रिज्म पर यहां पर पेंट किया हुआ है, पॉलिश सरफेस कह सकते हो, एक इंसिडेंट लाइट यहां पर पड़ती है और इस पर नॉर्मली पड़ के वापस अपने उसी पाथ को फॉलो करती है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछता है फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस The light reflected back, और क्या दे रखा है हमें, angle of prism दे रखा है 30 degree और refractive index दे रखा है इसका root 2, तो हमें क्या निकालना है, ये incident angle यहां से find out करना है, ठीक है, तो देखो ये टकरा के वापस आ रही है तो R2 कितना है बच्चों 0, कि यहां से तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, टकरा के वापस उसी पाथ पर आ गए तो R2 क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास सॉल्यूशन है R1 R2 = A, तो ये तो 0 ही हो गया, तो R1 किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल, यानी 30 डिग्री आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है कितना √2 हमें दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अगर मैं बात करता हूं स्नेल्स लॉ की, तो स्नेल्स लॉ से म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, ठीक है, तो ये हमें निकालना क्या आई, तो म्यू हमें दे रखा है कितना √2 इनटू साइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया आर वन की वैल्यू 30 डिग्री और इधर आ जाएगा साइन I1, तो साइन 30 पे कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन I1, तो यहां से 1/√2 इज इक्वल टू साइन I1, और रूट टू की वैल्यू 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन I1 कटेगा, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 45 डिग्री निकल कर आ गई, ओके, तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू आवर प्रिज्म था, थैंक यू सो मच।